हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएशन स्टूडियो। आज के वीडियो में हम मार्बल इफेक्ट देने वाले हैं रेजिन आर्ट से, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बोर्ड है जो 18 mm थिकनेस वाला है। अभी सबसे पहले हम उस पर एक वाइट कोट करेंगे, नॉर्मल वाइट पेंट ही करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर लिया है। इस टाइप से करते जाएंगे। एक्रेलिक पेंट की खासियत वो है कि थोड़ा सा ही कलर लेना होता है और ये इतना स्ट्रेच होता है। एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो जो फाइनल कोट होगा वो थोड़ा यूनिफॉर्म दिखेगा। और इस पर हम रेजिन आर्ट करने वाले हैं। चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर लेते हैं ये पूरा कोट। तो यहाँ पे हमने फ्रंट साइड पे पूरा कोट कर लिया है। ये अभी हम बॉर्डर पर कर रहे हैं ताकि जब हम रेजिन आर्ट करेंगे तो वो जो रेजिन साइड में से गिरेगा तो वो साइड का पोर्शन उतना ख़राब नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी बॉर्डर पे वाइट कोट कर लिया। अभी वो थोड़ी देर में सूख जाता है। सूखने के बाद हम रेजिन आर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हमारा रेजिन मिक्सचर ले लिया है, 3:1 का रेशियो लिया है एपोक्सी रेजिन ट्रांसपेरेंट, और उस पर मैंने यहाँ पे पर्ल वाइट कलर ऐड किया है। ये देखिए थोड़ा सा शाइनी कलर है। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले मार्बल इफ़ेक्ट देने वाले हैं। तो मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए मैं बेस में वाइट कोट करूँगी, रेजिन से वाइट कोट करेंगे। और यहाँ पर मैंने वाइट का 3 शेड लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पर्ल वाइट ले रही हूँ, थोड़ा सा वो करेंगे, उसके बाद दूसरा शेड वाइट का ही लेंगे और उसका भी कोट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर मिक्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पे अराउंड 210 ग्राम रेजिन मिक्सचर लिया है, मीन्स 210 ग्राम रेजिन लिया है एंड 70 ग्राम हार्डनर लिया है। टोटल 280 ग्राम रेजिन हुआ है। थोड़ा सा ही रेजिन मिक्सचर लेंगे इस टाइप से और देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर ये स्लोप में आ जाए तो पूरा का पूरा रेजिन एक साइड ही गिर जाएगा। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और रेजिन के फ्लो के हिसाब से नीचे का बेस थोड़ा सा ठीक करेंगे, थोड़ा सा लेवल में करेंगे। यहाँ पे हमने एक टाइप का शेड ले लिया है, वाइट पर्ल वाइट। अभी यहाँ पे हम प्योर वाइट ले रहे हैं। मार्बल इफ़ेक्ट में जब हम बेस में वाइट करते हैं तो उसके भी 3-4 शेड लेते हैं ताकि वो बहुत ही अच्छी लगेगी वो इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे मैंने ये प्योर वाइट ले लिया है, हो सके उतना डार्क वाइट करना है। तो इस टाइप से हमने निकाल लिया पूरा वाइट और हम इसका सेम एज हमने जो लास्ट टाइम जैसे पर्ल वाइट में रेजिन डाला था उसी टाइप से डालेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये जो बोर्ड है, यहाँ पे मैंने जब रेजिन डाला था तो ये ऊपर की साइड पे फ्लो हो रहा है, मीन्स ऊपर की साइड पे थोड़ा सा स्लोपी है। तो हम लोग वहाँ पर पैकिंग रख के फिर से यहाँ से लेवल करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है जो वीडियो में नहीं दिखाया है। सेम एज फिर से वाइट कलर का करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने रेजिन डाला था तो वो ऊपर की साइड पे गया था पूरा रेजिन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब जो हम यहाँ पे जो कलर ले रहे हैं वो नीचे की साइड पे डालेंगे। इस टाइप से धीरे धीरे थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, हो सके
तो उस टाइप से स्प्रेड करेंगे कि रेजिन ज़्यादा बिगड़े ना और नीचे ना गिर जाए। रेजिन आर्ट में एक चीज़ बहुत ही मेन होती है, जो है पेशेंस। ध्यान से ही करना होता है, जल्दबाजी में करेंगे तो ये पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। अभी ये देखिए, यहाँ पे हमने दो कलर धीरे धीरे मर्ज करना स्टार्ट कर दिया है, एक पॉल वाइट एंड दूसरा है प्योर वाइट। ऐसे हाथ से स्प्रेड करेंगे। आप कोई चम्मच और ऐसी कुछ चीज़ से भी स्प्रेड कर सकते हैं, पर हाथ से वो बहुत ही बढ़िया स्प्रेड होता है। ये स्प्रेड करने के लिए हमें ग्लोव्स पहनना ज़रूरी होता है, हो सके तो दो ग्लोव्स एक साथ में ही पहनना, तो पूरा प्रोटेक्शन रहेगा और हाथ बिगड़ेगा नहीं। बॉर्डर की साइड पे भी रेजिन धीरे धीरे डालना स्टार्ट करेंगे। हम लोग रेजिन आर्ट जो करते हैं तो मिडल से ही स्टार्ट करते हैं, बॉर्डर से नहीं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर एक साइड पे ही स्लोप हुआ और हमने अगर उसी साइड पे अगर रेजिन डाल दिया तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली नीचे ही चला जाए, तो पूरा रेजिन बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करते, सबसे पहले बीच में से स्टार्ट करेंगे। अभी ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीसरा एक शेड लिया है वाइट का, जो इस टाइप से शाइनी आता है। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे दो टाइप लिए थे, अभी यहाँ पे हम तीसरा ले रहे हैं। ये वाइट की ये जो कलर है उसका स्पेशलिटी ये है कि ये थोड़ा सा शाइन दिखाएगा बॉर्ड पे। और हम लोग यहाँ पे हाथ से स्प्रेड कर रहे हैं तो कहीं कहीं जगहों पे शाइन आएगा, वो बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये पूरा सूख जाएगा। मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे ब्लू में मार्बल इफ़ेक्ट करूँ, मतलब बेस वाइट कलर का लूँ और उसमें ब्लू का मार्बल इफ़ेक्ट होगा। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने पूरा के पूरे शेड्स वाइट के जो भी मैंने लेने थे वो ले लिए हैं। अभी हम लोग फटाफट से ये ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेस फिनिश हो चुका है। मैंने बोला यहाँ पे मैं ब्लू कलर में मार्बल इफ़ेक्ट करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने शाइनी ब्लू कलर ले लिया है। ये देखिए, सेम है इस एपोक्सी रेजिन में मैंने यहाँ पे ब्लू कलर डाला है। अभी हम ये एक पतली स्ट्रिप करेंगे, रेंडमली ही करेंगे, पर इस टाइप से करते जाएंगे। वो हो जाने के बाद उस पर मैं यहाँ पर फिर से ट्रांसपेरेंट का एक कोट कर रही हूँ और इस टाइप से स्प्रेड करेंगे। हाथ से ही करना है स्प्रेड, ये देखिए इस टाइप से। फिर से हम लोग ये ब्लू कलर का लेंगे, कहीं और जगह पे फिर से ये स्ट्रिप करेंगे। ये रैंडमली ही करना होता है, पर हो सके उतना स्पेस रख के करना, बहुत नज़दीक नज़दीक नहीं करना है, क्योंकि ये फ्लूइड आर्ट है। तो ये हम लोग ये पूरा स्प्रेड करने के बाद 24 आवर तक सूखने देंगे, और उस टाइम पे भी ये थोड़ा सा अपने आप से स्प्रेड होता है। अगर हम लोग ये नज़दीक में करेंगे तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा, तो बहुत ही गंदा लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा दूर रख के ही करना है। यहाँ पे हमने फिर से ये ट्रांसपेरेंट रेजिन का इस टाइप से कोट किया और स्प्रेड करेंगे। ये हो जाने के बाद हम इस पर
हीट गन का यूज़ करेंगे, बहुत ही आराम से करना है और थोड़ी सी लो फ्लेम रख के ही करना है। ये देखिए इस टाइप से लो फ्लेम पे ही करना है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम हो गई तो ये नीचे के बोर्ड थोड़ा बिगाड़ देगा और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा पूरा। ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे और लो फ्लेम में ही करना है। हीट गन से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे अगर कोई बबल हुआ तो वो बबल अपने आप से ही निकल जाएगा। और अभी हम इसको 24 आवर तक सूखने देंगे। 24 आवर के बाद ये देखिए ये हमारा मार्बल इफ़ेक्ट रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे को ठीक शाम 6:30 बजे फिर से मिलेंगे। तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद द क्रिएशन स्टूडियो। बाय बाय।